guys, welcome back to my channel. So today's video is going to be some special because I'm going to share with you a Bengali special recipe, which is chicken kosha. It is my favorite, my personal favorite, and I hope आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा. आप जरूर एक बार घर पे try कीजिएगा ये recipe. तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं chicken kosha. So यहाँ पे हम 700 grams chicken लिया है with bone, जिसको हम 100 grams काट से मैरिनेट किया है 15 मिनट के लिए. और हमें जो चाहिए ये है अदरक लहसुन और ऑनियन पेस्ट है. यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं जो है रेड चिली, ड्राइड रेड चिली, सिनेमन स्टिक 1/2 इंच का, 4 कार्डेमम एंड 4 लौंग. और यहाँ पे हमने एक पेस्ट बनाया है जो काजू, आमंड और किशमिश से बना है. हम क्या किया, 6 काजू, 6 काजू, 6 आमंड और कुछ किशमिश को स्लाइटली ब्लांच करके मिक्सी में पेस्ट कर लिया. और यहाँ पे 4 मीडियम साइज का ऑनियन स्लाइस किया हुआ है, छोटा साइज का टमाटर है स्लाइस किया हुआ. और जो भी इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो हम बाद में बताएंगे. सो पहले हम एक कढ़ाई पे 10 टेबलस्पून राइस ब्रैन ऑयल लिया है. इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे. तेल गर्म होने के बाद हम इसमें 2 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे. हाँ, आपने सही सुना कि हम चीनी को तेल में डायरेक्ट पहले डाले हैं, क्योंकि इसका जो रंग है वो एनहांस करेगा. इससे हमारा जो ग्रेवी है वो उसका कलर अच्छा होगा. तो इसमें हम अब हमारा जो खड़े मसाले है उसको ऐड करेंगे. अब जल्दी से इसमें हम हमारा जो ऑनियन है उसको ऐड कर देंगे. आप देख सकते हैं कि प्याज का जो कलर है वो कैसे लाल हो गया बिकॉज ऑफ द शुगर. अब हमें प्याज को अच्छे से भूनना है सॉफ्ट होने जाने तक. अब चाहे तो इसमें थोड़े से नमक डाल सकते हो ताकि प्याज ऑनियन का जो कुकिंग प्रोसेस है वो जल्द हो जाए. तो अब देखिए प्याज का कलर जो है वो ब्राउन हो गया. तो इसमें हम अब हमारे जो अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है उसे हम मिला देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका रॉ स्मेल जो है वो ना रहे. तो दोस्तों देखिए हमारा जो मसाला है उससे तेल छोड़ गया और जो रॉ स्मेल था वो भी चला गया. इसका मतलब है हमारा जो मसाला है रेडी है. अब हम इसमें स्लाइस किया हुआ टमाटर डाल देंगे और इसको सॉफ्ट हो जाने तक पकाएंगे. हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक गया. देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया. तो अब हम इसमें हमारा जो चिकन है मैरिनेटेड चिकन उसको हम डाल देंगे. तो चिकन डालने के बाद अब हम इसमें हल्दी डालेंगे 1.5 टेबलस्पून और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर. तो दोस्तों हम ये जो चिकन कोसा का रेसिपी है इसमें हम जितना चाहे कम पानी यूज़ करेंगे. एक टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम चिकन का जो नेचुरल पानी है उससे ही हम पकाने की कोशिश करेंगे, बाहर से पानी नहीं ऐड करेंगे. तो हम चिकन में नमक मिलाने के बाद इसको ढक देंगे और हमारा जो फ्लेम है उसको एकदम लो कर देंगे ताकि चिकन धीमी आंच में पके और उसका जो पानी है
वो ही निकल के आए और उससे ही चिकन हमारा पक जाए। हम इसमें बाहर से कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, यही एक सीक्रेट है चिकन कौशा का। तो देखिए हमारा जो चिकन है वो थोड़े थोड़े करके पानी छोड़ रहे हैं, तो हम इसको ढक देंगे और ऐसे ही पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे तक। तो दोस्तों बीच बीच में आपको नोटिस करना है कि आपकी चिकन जो है उससे ज़्यादा पानी निकल आए कि नहीं। अगर ज़्यादा पानी निकल आता है तो आपको फ्लेम को बढ़ा देना है और हाई फ्लेम में ही पकाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो चिकन है उससे बहुत सारा जो पानी वो निकल आया है, तो हम फ्लेम को बढ़ा देंगे और उसी फ्लेम में पका लेंगे। अब बीच बीच में ज़रूर इसको चलाइएगा ताकि हमारा जो मसाला है वो जल ना जाए, और चेक कीजिएगा कि चिकन सॉफ्ट हुआ कि नहीं। ये जो रेसिपी है ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, सो आपको थोड़ा सा पेशेंस लेके बनाना है, बट इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। अब देखिए हमारा जो ग्रेवी है वो थोड़ा थोड़ा करके तेल छोड़ रहा है, इसका मतलब इट्स ऑलमोस्ट डन। इट्स लुकिंग वेरी यम्मी। हमारा चिकन जो है वो एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो ग्रेवी है वो साइड से तेल छोड़ रहा है, इसका मतलब है हमारा ग्रेवी तैयार हो गया। अब हम इसमें ये जो काजू और आमंड का पेस्ट है वो डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और नमक और चीनी टेस्ट करके 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में आपको थोड़े से चला देना है ग्रेवी को। इट्स ऑलमोस्ट डन। इसका जो स्मेल है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसका सीजनिंग थोड़ा चेक कर लेते हैं। इट्स परफेक्ट। सो हमारा जो चिकन कौशा है वो एकदम रेडी है। हम फ्लेम ऑफ करके 2 मिनट का स्टैंडिंग टाइम देंगे ढककर। सो फ्रेंड्स आवर चिकन कौशा इज टोटली रेडी। इट इज़ लुकिंग वेरी डिलीशियस। आप घर पे ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी है। और आप इसको रोटी या पराठे के साथ ज़रूर खाइएगा। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।